Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam and today we are going to discuss another interesting topic, myths associated with AIDS, you know. And today I am going to burst two major myths. जो सबसे ज़्यादा important myth है बाकी और चीज़ों के अलावा sex को लेकर के. बहुत से पुरुष या महिला sex को लेकर के AIDS के साथ बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और बहुत सारे भ्रम से ग्रसित होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या है और क्या सच में ऐसा होता है. सो सबसे बड़ा मिथ जो एड्स के साथ अटैच्ड है वो है सेक्स को लेकर के. बहुत से पुरुष या महिला ये सोचते हैं कि अगर हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो शायद हमें एड्स हो जाएगा. जबकि ध्यान देने वाली बात यह है, अगर एड्स आपको तभी होगा जब आप HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट होंगे. अगर आप चार लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो चारों हेल्दी हैं, नॉन HIV हैं, HIV नेगेटिव पेशेंट्स हैं, तो कभी भी आपको एड्स नहीं होगा. मगर आपने किसी एक व्यक्ति के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप रखा और वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव निकला तो आपको HIV हो सकता है. हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स को ज्यादा बढ़ावा दें और आप रिलैक्स हो जाएं कि अब तो एड्स नहीं होगा. तो हम किसी के साथ भी, कितने लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यू नो. तो वो चीज ध्यान में रखते हुए कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बढ़ावा मत दीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक से ज्यादा पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो कॉन्डम जरूर इस्तेमाल करें. दूसरा जो हमारा मिथ है वो HIV पेशेंट्स को लेकर के है. बहुत से ऐसे HIV पॉजिटिव कपल सोचते हैं कि हम दोनों ही कपल्स पॉजिटिव हैं तो शायद हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं क्योंकि अब हमें किसी चीज का खतरा नहीं है और ऑलरेडी हम पॉजिटिव डायग्नोज हो चुके हैं. बट यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप भले ही आप दोनों ही कपल HIV पॉजिटिव डायग्नोज हो, फिर भी आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद आप ऐसा करने से कोई तेज स्ट्रेन एक दूसरे को, यू नो, वायरस का एक कोई बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रेन एक दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड आपका जो इन्फेक्शन है वो सुपर इन्फेक्शन का फॉर्म ले सकता है. तो इट्स नेवर एडवाइजेबल कि आप दोनों पॉजिटिव हैं तो आप दोनों बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकली इंटीमेट हो. आप पॉजिटिव कपल हैं तो भी आपको सावधानी का ध्यान देना होगा और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से बचना होगा. वीडियो आप सबको पता है, आजकल हमारे ऑडियंस बहुत ज्यादा जागरूक है तो सभी ये बात जानते हैं कि HIV छूने से, साथ बैठने से, खांसने से या फिर एक साथ खाना शेयर करने से नहीं फैलता, ठीक है. तो इसलिए हमने वो मिथ्स यहाँ पर नहीं तोड़े हैं. जो मेजर मिथ्स थे वो सेक्स को रिलेकर के थे तो हमने वो कोशिश की. अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसे मिथ्स हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.